हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, ये है प्रैक्टिस, ये है क्या प्रैक्टिस सेट आपका 1। और इसी तरह आपको प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5, 6 काफ़ी सारे यहाँ पे वीडियो मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे पूरे के पूरे एक सेट होगा, वो कि 30 से 35 क्वेश्चन का हमेशा एक सेट रहेगा, जिसमें कि आपको इडियम फ्रेजेस, फिलर, एंटोसैनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जैसे काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें हमको मिलेंगे। ठीक है, कई कई सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मैट्रिक से बताऊँगा, कई सारे ऐसे चीज़ होंगे जो कि आपको टेक्निक का यूज़ करना होगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एंटोसैनो पर नहीं, अगर हम सबसे पहले हम किस पे आएंगे, यहाँ पे इडियम फ्रेजेज और जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वो वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम 16 पे सबसे पहले आए, यहाँ पे जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, जो यहाँ पे बिना बोल्ड वाला वर्ड है, जैसे कि डिक्लेयर जो लिखा हुआ है ये बोल्ड वाला नहीं, बाकी सेंटेंस पूरे के पूरे वर्ल्ड में लिखे लेकिन एक वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं अंडरलाइन के आप वर्ड को यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे जिससे कि आपका सेंटेंस इम्प्रूव हो जाएगा। इट इज़ क्वाइट एनफ टू डैश विच कैंडिडेट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का विल की बात हो रही है, कैंडिडेट की विन की बात हो रही है, जीतने की बात हो रही है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, डिक्लेयर नहीं होता है बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेडिक्ट होता है, प्रीडिक्ट होता है। प्रीडिक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना, आप प्रेडिक्ट करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अनुमान लगाते हैं। यहाँ पे और भी है, ऑगर का वर्ड भी होगा, ऑगर मीन्स की संभावना होना। ठीक है, एक है पोर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ पोर्टेंट का मतलब होता है कि जो भविष्य में किसी चीज़ का संकेत देना होगा, तो यहाँ पे जो सही होगा प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट के हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। वैसे ऑगर का मतलब लिखना हो तो लिख सकते हैं कि संभावना होना। ठीक है, संभावना होना, और इसका मतलब पोर्टेंट का मतलब होता है संकेत देना, संकेत देना, भविष्य की बात करिए करा जा रहा है, भविष्य में कोई संकेत देना। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसकोडिंग हैज़ वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस। देखिए जब भी हम बात करें जनरल सेंस में बात करेंगे, ठीक है, जनरल सेंस में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या था, प्रेजेंट में बातें होती है। पहला चीज़ हैज, तो हैज होगा नहीं, हटा दें, प्रेजेंट की बात हो रही है। अब होगा कि इज़, तो ठीक है होगा, तो एलिमिनेट तो ये भी होगा क्योंकि हैज़ है। अब इज़ वाला होना चाहिए तो कौन सा होगा, इज़ वन ऑफ द आइटम्स होगा या इज़ वन ऑफ द आइटम होगा, आंसर होगा इज़ वन ऑफ द आइटम्स। ध्यान रखिएगा, जब सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो तो क्या होता है, वर्ब भी क्या होता है, वर्ब जो आपका होगा वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्ब तो सिंगुलर होगा, वन ऑफ के बाद जो होगा नाउन, ठीक है, वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे, वो प्लूरल में होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि सिर्फ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा और आपका नाउन होगा वो प्लूरल में होगा, तो इसलिए इस हिसाब से आइटम्स होगा, आइटम नहीं होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई यहाँ पे कि सी डजंट टेल लाइज डजंट सी। अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन टैग वाला वर्ड सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन टैग का, अगर क्वेश्चन टैग का रूल नहीं पता तो आप नहीं बना पाएंगे सेंटेंस। अगर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग जो होगा पॉजिटिव में होगा। अगर सेंटेंस अगर निगेटिव में हो, निगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव में होगा तो यहाँ भी नॉट लगा हुआ नहीं होगा, यहाँ भी नॉट लगा हुआ नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, डज ही होगा। ठीक है, चूँकि पॉजिटिव, अच्छा क्यों होगा, सी के साथ क्या लगा हुआ, डज, डज लगाए और ये सब्जेक्ट जो है इसके आगे रख दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैव यू एवर बीन इन न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे इन के जगह पे क्या होगा, ठीक है, इन के जगह पे आप क्या प्रीपोजिशन रखेंगे जो सही होगा, तो आंसर होगा टू। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पे टू जो है डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन के सेंस में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क। क्लियर, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का वेव आफ्टर वेव सराउंडेड द टावर, वेव आफ्टर वेव सराउंडेड द टावर या इन गल्फ द टावर, इन सर्किल द टावर या सर्किल द टावर, तो आंसर होगा इन सर्किल द टावर। इन सर्किल का मतलब होता है चारों तरफ घेर लेना। ठीक है, इन गल्फ मतलब पूरी तरह से ढक जाना, तो ढकने की बात नहीं हो रही, कोई टावर को क्या कर रहा भाई, ऐसा एक टावर है इसको क्या कर रहा है, घेर रहा है। ठीक है, इन सर्किल कर रहा है, ऐसा नहीं कि टावर है तो इसको पूरा ऐसे ढक रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये होगा। चलिए
यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फटाफट देख लेते हैं। एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून से पता चला कि गुड और फॉर्चून एक अच्छी, मतलब गुड फॉर्चून का मतलब होता है अच्छी आपकी किस्मत होती है, या फिर आपका आपके साथ जो अच्छा होता है, कोई अचानक सा कोई ऐसा गुड फॉर्चून हो जाता है, आकस्मिक लाभ हो जाता है, एक अचानक से आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है, उसे कहते हैं एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून। इसका जो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फ्लिप, FLUKE, मीन्स कि इसको इसका मतलब होता है आकस्मिक लाभ, आकस्मिक लाभ या अचानक कोई लाभ, ठीक है, उसको कहते हैं गुड फॉर्चून। ठीक है, सरेंडिपिटी का मतलब यू अगर नोट करना चाहे तो नोट सकते हैं, एक नसीब के सेंस में होता है। ठीक है, नसीब था मीन्स कि भाई वो नेगेटिव सेंस में, अगर उसको कुछ अच्छा चीज़ हो गया तो नसीब उसका हो गया। ठीक है, चांस, मौका, गुड लक, जब हम किसी को अच्छे काम के लिए जाते हैं तो उसे गुड लक कहते हैं। ठीक है, चलिए, शॉर्ट अ स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और अ बुक। ठीक है, जब हम शॉर्ट स्पीच देते हैं, कोई छोटा सा स्पीच देते हैं या कोई पोएम की बात करते हैं, तो देखते होंगे अक्सर एंड में, एंड में कोई प्ले होता है और अ बुक का जो प्ले होता है कोई छोटा सा नीचे में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आंसर जो होगा यहाँ पे एपीलॉग। ठीक है, आंसर होगा एपीलॉग, मतलब एक परिशिष्ट का भाग होता है, एंड ऑफ द प्ले का एक उस छोटा सा पार्ट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, बात करें एपिटाफ का मतलब क्या होता है, समाधि पर, जो समाधि पर लिखा जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं समाधि लेख। एपिक्योर का मतलब क्या होता है भाई, नोट कर लीजिएगा, रसिया होता है, रसिया कहने का मतलब किसी चीज़ का खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं उसे कहते हैं रसिया। एपिग्राम, एपिग्राम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एपिग्राम का मतलब चुटकुला, चुटकुला कोई दो या तीन पंक्ति का होता है या सूक्ति जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, पर्सन हु ड्राइव आवर मोटर्स, मोटर कार्स, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आपको स्पेलिंग टेस्ट में भी चेक कर लिया जाता है कि इसका स्पेलिंग बताइए, तो बहुत अच्छा इसका मीनिंग होता है सॉफर। ठीक है, CHAUFFER, सॉफर जिसे कहते हैं, ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द हेड मास्टर ब्रॉट बैग टू माइंड, अब इसका मतलब क्या होगा, ब्रॉट बैग टू माइंड टू आउट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द स्कूल। तो हेड मास्टर क्या किए भाई यहाँ पे, रिमाइंडेड किए, रिमेम्बर्ड किए, या रिमिनिस्ड किए, या रिकॉल्ड किए, आंसर होगा रिकॉल्ड किए। ठीक है, रिकॉल्ड द आउटस्टैंडिंग मीन्स याद करना, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, रिमेम्बर का मतलब याद दिलाया के सेंस में ही होता है, एलिमिनेट मतलब याद दिलाना ही सेंस होता है, याद करना। ठीक है, ये हो गया, अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे, एक और सवाल है इसी से रिलेटेड, लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ फीलिंग का मतलब क्या होता है भाई, लैक ऑफ फीलिंग जिसको कोई फीलिंग ना हो उसे वो कहते हैं अपैथी, जिसको फीलिंग ही ना हो, ठीक है ना, क्या कहते हैं, लैक ऑफ फीलिंग अपैथी। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, बात करते हैं एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है क्या भाई, इसका मतलब सहानुभूति होता है, लेकिन दूसरों दूसरों का दर्द को क्या करना, दूसरों का दर्द अपना समझना, अपना समझना। ठीक है, और ये होता है सिर्फ मतलब कि सिंपैथी करना, सहानुभूति देना, सहानुभूति, दूसरों का दर्द को फील नहीं करना, बस सहानुभूति करना। ठीक है, संतावना देना, पीटी का मतलब होता है दया, ठीक है, दया दिखाना, दया करना, तो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। अब यहाँ पे आते हैं, एक फिलर भी है, फटाफट देख लेते हैं, फिलर में क्या है भाई, द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू डैश दिस वर्ड्स इन द डिक्शनरी, अब डिक्शनरी में क्या करेगा भाई स्टूडेंट, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल तो करेगा नहीं, पहला चीज, लुक इन टू जाँच करना, जाँच करना, कोई अधिकारी जाँच करते हैं तब होता है, लुक डाउन मतलब क्या होता है, बुरी निगाहों से देखना, बुरी निगाहों से देखना, तो भाई ये तो करेगा नहीं। ठीक है, लुकअप मतलब यहाँ पे होगा इम्प्रूव करना, लुकअप मतलब इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना, ठीक है, इम्प्रूव करना, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, द स्टूडेंट आर टोल्ड, मतलब स्टूडेंट को क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि अपने वर्ड को इम्प्रूव करें डिक्शनरी से खोज कर, लुक अप इम्प्रूव करना, ध्यान रखिएगा लुक डाउन नहीं होगा, आंसर होगा लुक अप। फ्रेजल वर्ब के काफ़ी सारे वर्ड आते एग्जाम में, क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राम टुक हिज डैज फॉर द रॉन्ग डन टू हिम, रॉन्ग डन टू हिम, गलत किया, गलत जो भी हुआ है उसके साथ, उसके लिए राम क्या किया है, क्या लिया है भाई, एवेंज लिया है, रिवेंज लिया है, या वेन जिनेंस लिया है, रेवेज लिया है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे वर्ड है। आंसर होगा आपका, सबसे पहले हिज के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए, चूँकि यहाँ पे ये क्या बन रहा है आपका, संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता, तो हिज हो गए, एडजेक्टिव का बात कर रही है, हिज के एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आना चाहिए, तो नाउन कौन सा है, रिवेंज, मीन्स ये होगा, रिवेंज होगा, ठीक है ना, एवेंज नहीं होगा, ये तो वर्ब है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए, रेवेज का मतलब होता है विनाश, और वेंजेनेंस का मतलब ये होता है बदला, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है नाउन के सेंस में, क्या पूछा जा रहा है कि क्या, रिवेंज, ठीक है, जो यहाँ पे फिल्ट होगा वो होगा रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड डैश दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्रिपेयर के साथ जो प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो प्रिपेयर के साथ हमेशा क्या लगता है, फॉर प्रीपोजिशन लगता है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो फिक्स प्रीपोजिशन में ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे होते हैं वर्ड जिनके साथ पर्टिकुलर वी वर्ड आता है, ठीक है। चलिए और भी है क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं कि कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म हैव ऑलवेज डैश द सेरेमन ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी, तो यहाँ पे कौन सा होगा, सेट नहीं होगा, इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, ओवेल नहीं होगा, बल्कि प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है, उपदेश देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रॉबर्ट डैश अली ऑफ हिज सपोर्ट, रॉबर्ट क्या करेगा, इंश्योर करेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एश्योर तो होगा नहीं, ठीक है, इंश्योर नहीं होगा, बल्कि आई एन इंश्योर नहीं होता, ई एन होता है, और एश्योर होता है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, तो ध्यान रखिए, अगर हम पर्सन की बात करते हैं ना, पर्सन की बात करते हैं तो एश्योर होता है, ध्यान रखिए, तो एश्योर्ड होगा, रॉबर्ट एश्योर्ड अली टू हिज सपोर्ट, मीन्स कि उसके तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगा अली को, एश्योर्ड करा रॉबर्ट ने। इंश्योर होता है काम के सेंस में, काम, किसी काम को अगर हम एश्योर इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई वो काम आपकी निश्चित रूप से हो चुकी, तब इंश्योर करते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे फटाफट कुछ एरर के क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं, एंटो सैनो भी था फर्स्ट से फाइव में था, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, पहला था कि यहाँ पे प्रोफ्यूज़, प्रोफ्यूज़ का मतलब होता है क्या, यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे पहले ये लिखा गया अपोजिट मीनिंग की बात की गई है, अपोजिट का जस्ट अपोजिट होगा इसका, प्रोफ्यूज़ का मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक है, अधिक के सेंस में होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कम होगा, तो कम का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, स्पार्स, ठीक है, प्रोफ्यूज़ मतलब बहुत अधिक, और इसका मतलब बहुत कम, ठीक। चलिए और प्रोफ्यूज़ का अगर बात करें तो बहुत अधिक से सेम मीनिंग इसका भी होता है, इमॉडरेट का मतलब ये होता है बहुत अधिक, लेकिन आंसर जो होगा इसका अपोजिट करना है, तो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, कम या शांत करना, है ना, तो इसका अपोजिट करना है, शांत करना का मतलब इन्हांस करना, अपोजिट करना मीन्स बढ़ाना, ठीक है, इसका मतलब होगा क्या, बढ़ाना। बाकी अपीज का मतलब भी होता है शांत करना, अलाय का मतलब भी होता है, अले का मतलब भी होता है शांत करना या कम करना, दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, साथ साथ लिख सकते हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है क्या, वे ध्यान रखिएगा, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, समझदार होता है, तो अपोजिट क्या होगा, मूर्ख, ठीक है, किसी पर्सन के सेंस में हो तो हम फुलिश कहते हैं, सिली मिस्टेक के सेंस में होता है, ठीक है, हालांकि डंस का मतलब भी मूर्ख होता है, लेकिन हम वहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये भी एडजेक्टिव है, तो ये सही होगा, ये आपका नाउन, इसका मतलब भी होता है क्या, मूर्ख होता है, ठीक है, मूर्ख तो इसका मतलब भी होता है फुलिस, मूर्ख इसका मतलब भी होता है, लेकिन जो एडजेक्टिव के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा एडजेक्टिव वाला फुलिस बनेगा। सिली का मतलब भी होता है गलती होता है, सिली का मतलब छोटी सी गलती कहते हैं, गलती, छोटी सी गलती, जिसको अक्सर हम लोग कहते हैं सिली मिस्टेक के सेंस में भी यूज़ करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब सबको पता है कि एक परंपरा से होती है, पुरानी प्रचलन, पुराने चीज़ होते हैं जिसको ट्रेडिशनल कहते हैं, तो पुराने चीज़ को हम क्या करेंगे, कुछ नया चीज़ के बारे में बात करेंगे। अवंतगार का मतलब होता है मॉडर्न, ठीक है, एम ओ डी ई आर एन, तो ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, एंशियंट, उसका अपोजिट का मॉडर्न, ठीक है। चलिए अब आते हैं टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब उथल पुथल, तो उसका अपोजिट क्या होगा भाई, हारमोनी, मीन्स की क्या हो भाई,
सामंजस्य, ठीक है, शांत या सामंजस्य जिसको कहते हैं, सामंजस्य कब बनेगा, जब शांत होगा चीज़ें तब, और इसका मतलब उथल पुथल, उथल पुथल के सेंस में होता है। बाकी गस्टी और विंडी का मतलब सेम ही होता है, गस्टी का मतलब विंडी, झोंकादार हवा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे साइनों की बात करेंगे। साइनों का मतलब होता है कि एक बेस्ट स्पेस मीनिंग, सेम मीनिंग होना चाहिए। जैसे सैम, सैम का मतलब क्या होता है, नकली। सैम का मतलब होता है क्या भाई, नकली। तो नकली का यहाँ पे मीनिंग फट से आप देख लें, फेक, ठीक है। बाकी रियल और ऑथेंटिक और जेन्यून का मतलब सिर्फ एक होता है कि वो असली होता है, सही होता है, सच्चा होता है, ठीक है। आर्डोस की बात कर रहे हैं, आर्डोस, आर्डोस का मतलब होता है मुश्किल। आर्डोस का मतलब मुश्किल, मुश्किल का अपोजिट जो होगा, सॉरी सिनोनिम होगा, वो होगा डिफ़िकल्ट, मुश्किल, ठीक है। चलिए आगे आते हैं जेलस। जेलस का मतलब क्या होता है, जेलस का मतलब होता है यहाँ पे ईर्ष्या करना, ईर्ष्या का अपोजिट सेम मीनिंग होता है एनवी, ठीक है, ईर्ष्या जिसको कहते हैं। चलिए अब आते हैं GUIL, गिल। गिल का मतलब होता है क्या भाई, गिल का मतलब होता है धूर्त, धूर्त। तो धूर्त का जो सेम मीनिंग होगा वो होगा उसका कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ के सेंस में, बेकार के सेंस में, जिसको कहते हैं यूजलेस, ठीक है। यह हो गया। अब फटाफट देखते हैं लास्ट जो बचा हुआ, क्या बचा हुआ आपका, एरर के क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एरर है, एरर का क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हर्ड द अर्थ क्वेक बट आई वाज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। बताइए कि अर्थ क्वेक को हम लोग सुन सकते हैं क्या, नहीं, क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं ना, फेल्ट, ठीक है। चूँकि यहाँ पे पास्ट में लिखा हुआ है हर्ड, इसलिए हमको भी यहाँ फील का फेल्ट करना होगा। तो अर्थ क्वेक को हम लोग फेल्ट करते हैं, ना कि सुनते हैं। नेक्स्ट है ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, ठीक है। ही वॉक्स, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, एज इफ जो कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है, द अर्थ बिलोंग टू हिम, ठीक है, द अर्थ बिलोंग टू हिम, सही है। यहाँ पे नो एरर का यहाँ पे सेंटेंस होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भाई, द यूनाइटेड नेशन इंक्वायर्ड फॉर द इंक्वायर्ड अ सीज फायर, इंक्वायर्ड फॉर। तो देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंक्वायर्ड के साथ यहाँ पे फॉर नहीं होगा, इंक्वायर के साथ इनटू होगा, ठीक है। इंक्वायर इनटू मतलब जांच करना, उस सीज फायर के बारे में बात हो रहा है, जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, घाना, नाइजीरिया एंड जाम्बिया ईच हैव पार्ट्स ऑफ टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। यहाँ भी नो एरर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन अलग अलग कंट्री की बात की गई तो प्लोरल होगा ही, और प्लोरल है तो पार्ट्स की बात होगी, भाग की बात होगी, पार्ट्स भी सही है, प्लोरल सेंस में टू प्ले है इन द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट है कि इन दिस डे ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज़ नोट विल नॉट बाई यू एवन एन ऑर्डिनरी मिल, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ नज़र जाएगा रुपीज़ पे, यहाँ पे 10 है तो ठीक है, 10 है तो रुपीज़ तो ठीक लगेगा, लेकिन जहाँ पे ए लगा दिया, ए लग गया तो यहाँ पे रुपीज़ ना हो के बल्कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रुपी होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे आपको एरर होंगे पार्ट ऑफ स्पीच से, जिसमें नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन के एरर हो सकते हैं, आर्टिकल बेस हो सकते हैं, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। तो ध्यान रखिए, बस पार्ट ऑफ स्पीच आपके छोटे एरर आपके बन जाएंगे। गाइस अब मिलेंगे आपसे इसका जो होगा सेकेंड पार्ट में, पार्ट जो होगा सेकेंड, जो कि फिर से आपके 30 से 35 क्वेश्चन का एक सेट होगा और इसी फॉर्मेट पे बना रहेगा टिल एग्जाम तक। थैंक यू वेरी मच।